सांडों की लड़ाई में एक वृद्ध बुरी तरह से जख्मी हो गए। बड़ी बात यह है कि वह अपने घर के आंगन में कुर्सी पर आराम कर रहे थे। मंगलवार की सुबह 8 बजे जुना बाबुलखेड़ा में प्लॉट नंबर 1 निवासी रेलवे के सेवानिवृत्त टीटी गनबाजी उपासराव धनविजय के साथ यह घटना हुई है। दरअसल उनके घर के सामने खड़े दो सांड आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को धक्का देने के क्रम में दोनों उनके आंगन तक पहुंच गए। इनके चपेट में आ जाने से वह बुरी तरह जख्मी हो गए। आंगन में रखे कूलर को भी सांडों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास के लोग दौड़े और दोनों सांडों को भगाया। वृद्ध को उपचार के लिए ले जाया गया, उन्हें कई जगह पर गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना ने जहां एक ओर लोगों की जान को आवारा मवेशियों से खतरे का संकेत दिया है, तो वहीं मनपा के कोंडवाना विभाग पर भी सवाल या निशान छोड़ा है। मनीष चांदीकर ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि आवारा मवेशियों के अलावा आवारा श्वानों को पकड़ा नहीं जा रहा है, जिससे सामान्य लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।